एक बाग में हरे भरे दो फलदार दरख्त थे। बच्चे इसके नीचे खेलते और उसके फल भी खाते। कोई काम करते करते थक जाता तो उनके नीचे सस्ता लेता। लोग सूरज की तपिश से बचने इसके ठंडे साए में आ जाते। फिर इनमें से एक दरख्त बूढ़ा हो गया। उसके पत्ते जर्द होकर गिरने लगे, फल कम देने लगा और बिल आखिर वो सूख कर गिर गया। अब बाग में एक ही दरख्त रह गया। वो भी अपने साथी के जाने के बाद गमजदा रहने लगा। उसके भी पत्ते जर्द होने लगे और आखिर कुछ अरसे बाद वो भी सूख कर गिर गया। लोग इन दरख्तों को एक अरसे तक याद करते रहे मगर फिर भूल गए। हमारे भी घरों में दो सायादार दरख्त हैं। उन्होंने हमें पाला पोसा, इस्लाम सिखाया, पढ़ाया लिखाया, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, हमें हर सख्त आजमाइश से बचाया, हमें जवान कर दिया, हमारी शादियां कर दी। हम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए मगर वो शजरे सायदार वहीं रहे। फिर वो बूढ़े हो गए, बीमार रहने लगे। दोनों मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखते, दवाइयां पिलाते, डॉक्टर के पास जाते, लेकिन हमसे हमेशा यही कहते, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अपना ख्याल रखो, बस फोन कर लिया करो, बच्चों की तस्वीरें और वीडियो जरूर भेज दिया करो। हमें ढेर सी दुआएं देते। फिर हमारे अब्बू की तकलीफ बढ़ गई और एक दिन अब्बू अम्मी को अकेला छोड़ गए। लेकिन अम्मी उन्हें भूली नहीं, बाकायदगी से कब्रिस्तान जाती, बाहर रोड से उनके लिए दुआएं करती और गोरकन को फूल डालने का कह के आ जाती। अब हमारे लिए अम्मी ही अब्बू भी थी, लेकिन अब वो खामोश रहने लगी, दरवाजे की तरफ तकती रहती, जैसे कि कह रही हो कि तुम्हारे अब्बू अभी बाजार से आने वाले हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। एक दिन अम्मी के कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया। हमारे अब्बू का बनाया हुआ घर बिक गया। हम सबको इसमें से हिस्सा मिला। हम सब अपनी जिंदगियों में खुश हैं, लेकिन एक कमी का एहसास हर लम्हे रहता है। जी चाहता है कोई ये सब कुछ मुझसे ले ले, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू मुझे लौटा दे। رب ارحمهما كما ربياني صغيرا